दूरदर्शन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनावी दंगल में अब सभी पार्टियां अपने तरीके से जोर शोर से उतरना चाहती है। इसी बीच अब खबर ये कि दूसरे चरण में 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच रार मच गई है। जी हां, आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूसरे चरण को लेकर रार बरकरार है। और एक तरफ जहां तेजस्वी यादव की पार्टी कह रही है कि 60 सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेगी, वहीं कांग्रेस का कहना है कि 25 सीटें कांग्रेस के खाते में आनी चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ हम 20 सीटें ही दे सकते हैं, बाकी की 14 जो सीटें हैं वो वामदल के पाले में गई हैं। ऐसे में इन सीटों पर रार बरकरार है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं और इस बार टिकट देने को लेकर सोच समझकर रणनीति के तहत वो टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपने सभी सटिंग विधायकों को कहीं ना कहीं वो कहीं ऐसे सीटें हैं जहां से विधायक बेटिकट भी हो गए हैं, यानी कि तेजस्वी यादव की रणनीति काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि वो अपने सभी सटिंग विधायकों को दोबारा से चुनावी रण में उतारेगी, यानी कि 94 सीटों पर रार बरकरार है। दूसरे चरण में जिन 94 सीटों के लिए चुनाव होना है उसमें 14 सीटें वाम दलों को चली गई हैं। इनमें राजद और कांग्रेस की कुछ सिटिंग सीटें भी हैं। शेष सीटों में लगभग 60 सीटों पर राजद लड़ना चाहता है और 20 कांग्रेस को देना चाहता है। लेकिन कांग्रेस इस चरण में लगभग 25 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची बना रही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट के साथ उम्मीदवार पर चर्चा हो रही है। दोनों ही दल हर हार में चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहते हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां दोनों अपने उम्मीदवार को जिताऊ बता रहे हैं। इधर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक रविवार को हुई। चुनाव समिति की मुहर लगने के बाद सूची अब 14 अक्टूबर को जारी की जा सकती है। ऐसे पहले चरण की सूची अगर तय रणनीति के तहत जारी की गई हो तो लगता है कि नामांकन का समय खत्म होने के बाद ही कांग्रेस इस चरण की भी अधिकृत सूची जारी करेगी। पार्टी में चल रहे विवाद को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों को सिंबल अंतिम दिन देती है, नामांकन खत्म होने के बाद सूची सार्वजनिक करती है। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण के 21 उम्मीदवारों के साथ दूसरे चरण की 4 सीटों के सिटिंग उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल दे दिया गया है। इसमें कुशेश्वर स्थान से डॉक्टर अशोक राम, बेगूसराय से अमिताभ भूषण, भागलपुर से अजीत शर्मा, बेतिया से मदन मोहन तिवारी को सिंबल मिल गया है। अलौली सीट राजद की है लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी दावा ठोका है। कांग्रेस वैशाली से वीणा शाही को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन राजद ये सीट हर हाल में रालोसपा के राजद में आए पूर्व मंत्री वृषण पटेल के लिए चाहती है। हालांकि वीणा शाही का पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से अच्छे संबंध है, लेकिन आरजेडी वृषण पटेल को ही देना चाहती है। इसी तरह मुजफ्फरपुर सीट के लिए भी राजद ने कोई उम्मीदवार तय नहीं किया, लेकिन कांग्रेस विजेंद्र चौधरी के लिए यह सीट मांग रही है। पारू से कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री उषा सिंह के पुत्र को उतारेगी। राजा फाकर से कांग्रेस ने प्रतिमा देवी को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर सीट भी कांग्रेस को मिल गया है। कांग्रेस ने लालगंज से निखिल कुमार के संबंधी राकेश कुमार पप्पू को टिकट दे दिया है। उधर राजद ने भी अपने कुछ सिटिंग उम्मीदवारों में बदलाव के साथ अधिकतर नाम तय कर लिए। राजद सूत्रों के अनुसार कल्याणपुर से मनोज यादव, मधुबन से मदन शाह, शिवहर से चेतन आनंद, बेलसंड से संजय कुमार गुप्ता, राजनगर से राम अवतार पासवान, काटी से मोहम्मद इजराइल मंसूरी, बैकुंठपुर से प्रेम शंकर यादव सिटिंग सीट, बरौली से नेमुतल्लाह को बदलकर रियाजुल हक राजू, हथुआ से राजेश कुशवाहा, गौरैया कोठी से नूतन वर्मा, एकमा से श्रीकांत यादव, तरैया से सिपाही लाल मेहता, छपरा से रणधीर, सिटिंग सीट गरखा से मुनेश्वर चौधरी की जगह सुरेंद्र राम का नाम तय कर लिया गया है। इसके अलावा अमौर से सुनील राम, परसा के विधायक और लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय जदयू में चले गए हैं, लिहाजा राजद ने वहां से छोटे लाल यादव को टिकट दिया है। तो फिर सेकंड के लिए तेजस्वी चाहते हैं कि 60 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार उतारे जाएं, वहीं 20 सीटों पर
कांग्रेस अपने कैंडिडेट को उतारे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है कि 25 सीटें उन्हें चाहिए, क्योंकि जहां पर वो दावा कर रही हैं वो कांग्रेस के लिए बेहतर हो सकती हैं। ऐसे में इन सीटों को लेकर राय बरकरार है, तो इसी बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से दोनों पार्टियां इसमें सुलह कर पाती हैं और उम्मीदवारों के नाम को फाइनलाइज किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।